हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। काफ़ी दिनों से मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ मैसेज आ रहे हैं, उसमें यही लिखा होता है कि कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जिससे हमारा घात गिरना बंद हो जाए। धात बोला जाता है वीर्य को, और लेटरिंग के साथ जो चिपचिपा सफ़ेद पदार्थ आता है ना, उसको धात बोला जाता है। लेटरिंग के साथ भी आता है, कुछ लोगों को पेशाब मूत्र के साथ में भी आता है। और हमारे जो बुजुर्ग थे पहले कहते थे, हमने सुना है कि 100 दूध की बूंद से एक खून की बूंद बनती है और 100 खून की बूंद से एक बूंद वीर्य की बनती है। और शरीर के पूरे शरीर का जो सार होता है वो होता है शरीर का वीर्य। अगर वो जल्दी संकलित हो जाए तो बॉडी हमारी दुबली पतली रहेगी, शरीर का सारा जो सत है वो निकल जाएगा, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, शरीर में आलस रहेगा, थकान रहेगा, चहचाटी शरीर में नहीं रहेगी, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, त्वचा रूखी हो जाएगी, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, शरीर दुबला पतला अस्थि पिंजर की तरह हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण होता है ये वीर्य। अगर वही वीर्य पेशाब के थ्रू लेटरिंग के साथ में बाहर निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि शरीर का तापमान बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पुरुषों में घात गिरता है, महिलाओं में लगोरिया की दिक्कत होती है जिसको सफ़ेद पानी बोला जाता है। आज उसी का ट्रीटमेंट हम बताने वाले हैं, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट है। देखिए, हमने दो चीज़ें ली हैं इसके अंदर। ये है आंवले का पाउडर। आंवला आप देखा होगा, आंवले इतना फायदेमंद होता है शरीर के लिए, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। चाहे आंवले को आप किसी भी रूप में खा लो, आंवला बहुत ज़्यादा फायदा करता है हमारे शरीर में, और ये क्षारीय होता है, सबसे बड़ी बात ये है। आंवले का पाउडर हमने लिया है यहाँ पर आधा किलो की मात्रा, बिल्कुल बारीक पीस करके महीन कप्पड़ छान हमने कर लिया है। अगर आप इसको मार्केट में लेना चाहो तो अच्छी कंपनी का ले लेना, हमने खुद पिसाई की है। और आधा किलो की मात्रा हमने, देखिए धागे वाली जो मिश्री होती है जिसको सट्टा मिश्री बोल देते हैं, वो भी हमने इसकी समान मात्रा ली है। आधा किलो आंवला पाउडर, आधा किलो धागे वाली मिश्री का बिल्कुल महीन बारीक पाउडर हमने कर लिया है। अभी इनको दोनों को एक जगह पर अच्छी तरीके से मिक्स करके, हमारे पास ये डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर हम भरकर रख लेंगे, बिल्कुल दोनों को अच्छे से मिक्स करके दोनों को एक जगह पर रख लेंगे। बस आपकी दवाई तैयार है धात की। अभी सेवन विधि और बता देता हूँ सेवन कैसे करना है। दोनों को मिला करके एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को ताज़ा पानी के साथ इसको सेवन करना है, खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद, ठीक है। रोज़ाना आपको सेवन करना है। पहले हफ्ते में ही आपकी धात गिरने की जो बीमारी है, जो दिक्कत है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा। और ये मेडिसिन आपकी करीब 30 से 45 दिन तक चलेगी। 30-45 दिन अगर आपने लगातार इसको ले लिया तो आपकी धात गिरने की समस्या जो है, शरीर की जो गर्मी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत ही कारगर है। साथ के साथ इसमें थोड़ा सा परहेज आपको रखना है, क्योंकि जो भी दवाई होती है बिना परहेज के अधूरी होती है। परहेज इसमें क्या रहेंगे, चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है जिनको धात गिरती है, गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, शहर की जो चीज़ें रेडियो पर जो मिलती है, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, खटाई, लाल मिर्च, अचार, गोलगप्पे, शराब, मीट, मच्छी, इनका सेवन नहीं करना है, तभी ये फार्मूला काम कर पाएगा। और बिल्कुल सस्ता फार्मूला है, 300-350 रुपये में आपकी 40 से 45 दिन की ये मेडिसिन बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सरल है। अगर आपको भी धात गिरने की समस्या रहती है, आपका शरीर दुबला पतला रहता है, खाया पिया नहीं लग पाता, तो आप ये पाउडर आज ही अपने घर पर ला करके बना लीजिए और खाना सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि हफ्ता 10-15 दिन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर चेंज आप खुद देख सकते हैं, और बहुत ही कारगर और सस्ता फार्मूला है। तो आज इसको बनाइए। अगर फार्मूला अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए।